उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस वक्त धन यूनियन की टीम मौजूद है और यहां पर लखनऊ पूर्वी के प्रत्याशी आशुतोष टंडन जी, जिनके प्रचार में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी पहुंचे और हमारे साथ है बातचीत के लिए। इस बार सर क्या लग रहा है, क्या रहेगा? 300 पार का नारा तो है, लेकिन लग रहा है कि जमीन पर कुछ बनेगी हवा? अगर आप कुल मिलाकर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा वातावरण दिखेगा। लोगों में उत्साह है, गरीब कल्याण के जो काम हुए हैं, जो गरीबों को पक्के मकान मिले 43 लाख लोगों को, 1.5 करोड़ को बिजली का कनेक्शन मिला हर घर को, और साथ ही साथ 1.86 करोड़ बहनों को रसोई गैस के सिलेंडर मिले हैं। 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन एक नहीं दो बार हर महीने मिला है पिछले 2 सालों में, और 5 लाख का इलाज भी मुफ्त में मिलने का काम हुआ है। ये स्पष्ट तौर पर दिखाता है कि गरीब कल्याण के लिए मोदी जी और योगी जी समर्पित रहे और आगे भी रहेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अब भी हमने कहा है कि मुफ्त 2 रसोई गैस के सिलेंडर देंगे, मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देंगे, युवाओं को 2 करोड़ टैबलेट्स और स्मार्टफोन देंगे, और प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले युवाओं को मुफ्त कोचिंग भी देंगे, और मुफ्त बिजली हम सिंचाई के लिए देने वाले हैं। ये सारे काम जो हैं ये गरीब कल्याण के हैं, गरीब व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है जनता उत्तर प्रदेश के विकास के लिए अपना सहयोग आगे भी देगी, कमल का बटन दबाएगी और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाएगी। 3 फेज के चुनाव हो चुके हैं और विपक्ष ने कहा था जब 2 फेज की वोटिंग हुई थी कि आधी लड़ाई उन्होंने जीत ली है, इस बार बीजेपी का बुरा हाल होने वाला है, सपा की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है। देखिए, सपा तो 7 चरणों के बाद भी 100 सीट ना कर पाएगी, और ये जो 2 चरणों के बाद 100 की बात करते हैं, 7 चरणों के बाद भी नहीं कर पाएगी। मेरा पूर्ण विश्वास है कि जनता ने अपराध मुक्त, आतंकवाद मुक्त, दंगा मुक्त, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश को बनाने के लिए कमल का फूल खिलाएंगे भारतीय जनता पार्टी को। बार बार सपा को आतंकवाद से क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि अहमदाबाद जो बम ब्लास्ट हुए उसके, अगर जो आप जजमेंट देखेंगे, उसके जो मास्टरमाइंड है, आरोपी हैं, उनका परिवार समाजवादी पार्टी से जुड़ा है। अखिलेश यादव जी उनके पिता को अपने मुख्यमंत्री के कार्यालय में बुलाकर वहां पर बिरयानी खिलाते हैं, घर पे बुलाते हैं, क्या करते हैं? अखिलेश जी को जवाब देना चाहिए। आखिरकार आतंकी का पिता उनको और उनकी पार्टी के लिए क्यों प्रचार करता है, उनका नेता कैसे है, क्या इस पर उनका कोई जवाब नहीं आएगा? मेरा सीधा सवाल उनसे यही खड़ा होता है कि आखिरकार समाजवादी पार्टी अपराधी आतंकियों को क्यों देती है संरक्षण? ये वही हवा है, वही सपा है, अपराधियों का साथ, आतंकियों का साथ और दंगाइयों का साथ। महिलाओं के लिए कुछ काम नहीं किया? प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही है कि हमने जब से बात किया कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तभी से बीजेपी ने मैनिफेस्टो में जिक्र। प्रियंका जी की पोस्टर गर्ल सारी जा चुकी है, एक के बाद दूसरी पोस्टर गर्ल छोड़ चुकी है, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ महिलाओं के लिए जितना योगी सरकार ने किया, मोदी सरकार ने किया है, वो कुल मिलाकर हमने महिलाओं को सुरक्षा भी दी, सम्मान भी दिया, धुआं मुक्त रसोई भी की, पानी भी उनके घर तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, और यही नहीं आगे भी करेंगे। मेरा पूर्ण विश्वास है कि महिलाओं का मान सम्मान हम ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे। और 10 मार्च में 22 में बाइसिकल आ रही है या कमल खिल रहा है, और कितनी सीटों के साथ? 300 पार बीजेपी करेगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, और उसका बड़ा कारण क्या है? भारतीय जनता पार्टी का गरीब कल्याण का कामकाज ही हमें एक बार फिर 300 पार करके दिखाएगा। 2003 से 17 तक देखें तो एक कोई पार्टी मिलती है, सपा बसपा सपा बीजेपी, दोबारा कैसे इस विधक को तोड़ेंगे? क्योंकि मोदी जी ने 2014 में देश में किया और 19 में फिर एक बार देश में करने का काम किया है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ उत्तर प्रदेश की जनता ने तब भी महत्वपूर्ण रोल अदा किया था, अब फिर उत्तर प्रदेश की जनता महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी, जिन्होंने कहा कि इस बार जमकर एक बार फिर से ऐतिहासिक जीत दर्ज होने जा रही है उत्तर प्रदेश में। फॉर मोर सच फाइन स्टोरीज एंड वीडियो रिपोर्ट्स फ्रॉम फील्ड, सब्सक्राइब टू आवर चैनल द न्यू इंडियन।